पेश, सरकार के पहले बजट से आखिर क्यों ना उम्मीद है पूर्व सीएम रमन, क्या है वजह। फरवरी में पेश होने वाले भूपेश सरकार के पहले बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने निराशा जाहिर की है। पूर्व सीएम ने कहा, हमें बजट से कोई उम्मीद नहीं है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि सरकार केवल वाहवाही बटोरने का काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि राज्य के विकास की दिशा में जो कदम हमने आगे बढ़ाए हैं, तो मुझे नहीं लगता वे इस बजट में दिखेगा। वो सोच और विजन होना चाहिए कि राज्य के विकास के लिए 5 सालों की कार्य योजना बनाई जाए। यदि ऐसा होता है तो लगेगा कि विकास की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। बजट में पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। आपको बता दें कि सत्ता में आने के बाद भूपेश सरकार कई योजनाओं का परीक्षण करवा रही है। इसके साथ ही रमन सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना स्काई को सीएम भूपेश ने बंद करा दिया है। रमन सरकार की टिफिन योजना भी अधर में अटकी हुई है। माना जा रहा है कि योजनाओं के परीक्षण के बाद वर्तमान सरकार ऐसी और भी योजनाओं को बंद कर सकती है जिनका सरोकार जनहित से नहीं है और उसका सरकार पर वित्तीय भार ज्यादा पड़ रहा हो।